हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम्र। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू ईवी इंडिया 2022। स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो आप इसे देख सकते हैं, इस तरह की ये लाइट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और किसी भी तरह का व्हीकल है हर एक के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। और आज इन्हीं से बात करवाने वाला हूं। अगर आप इस टाइप की बिजनेस करते हैं या इस तरह की प्रोडक्ट्स की आपको नीड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर? मेरा नाम हितेश मेहंदी रहता है और हम लोग के लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हैं। हाँ जी सर। और सर, आप अपने कंपनी के बारे में बताएंगे, आप क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? हम लोग प्लास्टिक पार्ट्स से लेके ईवी की लाइट्स और ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, कार्स सबकी लाइटें बनाते हैं। एलईडी मेक लाइट्स, किसी भी तरह का व्हीकल हो आपके पास वो? हाँ जी, सारी लाइट्स हम बनाते हैं। हम लोग ओकिनावा में, ओकाया में, टाटा मोटर्स में, आइशर मोटर्स सब में हुई है। अच्छा, और आपके प्रोडक्शन कहाँ से होती है, ऑफिसेज कहाँ है, कहाँ से आप वर्क करते हैं? हम लोगों की प्रोडक्शन है हरियाणा में, सोनीपत में हमारी फैक्ट्री है। सारा कुछ वहीं बनाते हैं और सबको सप्लाई वहीं से करते हैं। सारी आपकी प्रोडक्ट जो है इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है? सब कुछ इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा। तो सर, यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, क्या क्वालिटी रहती है और आप किस तरह के आपके ये प्रोडक्ट्स हैं? ये हमारी लाइट्स हैं, ये ओकिनावा के लिए हैं, ये बिल्कुल मेक इन इंडिया है, हमारी फैक्ट्री में सारी बनती हैं, एलईडी मेक लाइट्स हैं। ये ओकाया के लिए हैं, सारी लाइट्स हम लोग फैक्ट्री में अपनी मेक इन इंडिया के हिसाब से। ये जो है आपने ये कंपनी वाइज बनाया हुआ है? जी, मॉडल वाइज बना रखा, अलग अलग लाइट्स अलग अलग मॉडल्स में लगती हैं, अलग अलग मॉडल के हिसाब से ही व्हीकल चलती है। तो जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की बात करें, अगर जैसे यहाँ पर मटेरियल्स की बात करें, किस तरह मटेरियल्स आपके यूज़ किया है? सारा वर्जन मटेरियल है, बिल्कुल एज पर वही स्टैंडर्ड्स हैं। IP67 सारे IP67 पास है। तो आपके पास ये सारा मॉडल वाइज मिल जाएंगे अलग अलग कंपनीज के अकॉर्डिंग? बिल्कुल, सारी लाइट्स अलग अलग मिलती हैं, लो स्पीड्स के लिए, हाई स्पीड्स के लिए, विद ARAI अप्रूवल्स, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइट्स हैं। तो ये जैसे इसके अंदर जो लाइटिंग्स लगी हुई है, इसके बल्ब लगे हुए हैं, ये भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं, बल्ब हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, मगर बल्ब भी मेक इन इंडिया ही है, सब कुछ मेक इन इंडिया करते हैं। अच्छा, मतलब मेक इन इंडिया को आप लोग लीड कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे अलग अलग जैसे कलर्स में लाइट्स है, उसके बारे में क्या बोलने चाहिए? सर देखिए, ये टेल लाइट का कनेक्शन देती है, रेड लाइट इज अ टेल लाइट एंड इंडिकेटर, तो ये उस हिसाब से चलता है और विद LED है ये सारा। ये LED इसलिए करा गया है कि बैटरी कंजम्पशन कम से कम हो। अगर हम उसको बल्ब में करते हैं तो उसकी बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, इसको उसको LED में कन्वर्ट करा हुआ। ये वाली दूसरे मॉडल की लाइट्स हैं, डिफरेंट, हर सारी लाइट्स डिफरेंट मॉडल्स के लिए हैं। ये ई रिक्शाज के लिए है, ये फॉर ट्रैक्टर्स एंड ई ट्रैक्टर्स और उनके लिए है LED लाइट्स, तो बार लाइट्स। जैसे अगर LED की बात करें, पावर की बात करें, ल्यूमिनियस की बात करें, किस तरह का रहता है सर? सर देखिए, पावर LED में नो डाउट हमेशा ही कम रहेगा, क्योंकि बैटरी से चलने वाली व्हीकल को अगर हम बल्ब में चलाते हैं तो वो पावर ज़्यादा लेगा, इस वजह से इसको LED में करते हैं। LED की कंजम्पशन, बैटरी कंजम्पशन बहुत कम रहती है, इस वजह से इसको LED में कन्वर्ट करा जाता है। तो जैसे ये जो लाइट्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मेनली आपके पास OEMs आते होंगे या किस तरह के आप? हमारे पास OEMs आते हैं सारे, ओकाया, ओकिनावा, आइशर मोटर, इन सबको हम लोग सप्लाई करते हैं। तो जिनको जो दूसरे ब्रांड में बनाते हैं, आपके पास लाइट्स आपके पास ले जाते हैं और उसके कारण जैसे यहाँ पर ये प्लास्टिक पार्ट्स हैं, ये भी मेक इन इंडिया है, पूरी स्कूटी के पूरे प्लास्टिक पार्ट हम लोग बनाते हैं। किस तरह के प्लास्टिक्स आपने यूज़ किए हैं? ये ABS है, ये ABS है विद पेंटेड, 3 लेयर पेंट होता है इस पर, ABS पार्ट है। ये क्रोम पार्ट्स हैं इसके और ये भी मेक इन इंडिया है सारा। तो ये जैसे अलग अलग कलर्स में अलग अलग, वो आप एज पर हमारे कस्टमर रिक्वायरमेंट होते हैं, वो कस्टमाइजेबल होता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप हमें बोले, हम उनके अकॉर्डिंग। बिल्कुल, जैसे हमारा कस्टमर हमें बोलता है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम कलर करके देते रहते हैं। ये भी अलग अलग प्लास्टिक पार्ट्स है, किसी का साइड पैनल है, किसी का टायर का है, किसी का फ्रंट पैनल है विद क्रोम, सारे मतलब ईच एंड एवरी प्लास्टिक पार्ट से लेके लाइट्स पार्ट सब कुछ मेक इन इंडिया हमारी फैक्ट्री में बनता है। सो अगर कोई भी OEMs है जो इस तरह के व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करे, अपनी रिक्वायरमेंट बताए और उनके अकॉर्डिंग हम आपको मेड इन इंडिया में बना करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जितनी भी कंपनियाँ हैं देखो, जैसे हमारी अभी OEM की लिस्ट है, इन सबको हम लोग OEM में देते हैं। इसमें से कई सारे EV व्हीकल्स वाले हैं और सोनालिका है, ओकाया है, ओकिनावा है, टाटा मोटर्स है, बड़े सारी कंपनी हैं जिनको हम OEM में देते हैं।
सबके लिए हम लोग लाइट्स, प्लास्टिक पार्ट, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे उसको बना के दे रहे हैं। तो अब जैसे हमने प्रोडक्ट तो देख लिया, अगर बात करें अगर बिजनेस मॉडल की, किस तरह की बिजनेस मॉडल है सर आप? देखिए, हमारे पास कस्टमर आता है अपना डिज़ाइन लेकर के कि हमें ये डिज़ाइन बनाना है, तो हम उसको डिज़ाइन को अपने R&D में उसको पूरा डिज़ाइन चेंज करके बिल्कुल एक उनका ए सर्वे के हिसाब से नया डिज़ाइन बना के उनको प्रपोजल देते हैं। जैसे जैसे वो प्रपोजल ओके करते कि हाँ ये लाइट हमें पसंद आ रही है, इसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक बनती है, हम उनको उसी हिसाब से नया डिज़ाइन के हिसाब से टूलिंग पूरी तैयार करते हैं और सप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो मेनली आप B2B बिजनेस में हैं? हाँ जी, B2B में आप OEM से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और सामने वाले इसे आपकी क्या? देखिए, हमें सिर्फ ए सरफेस चाहिए होता है, बाकी का जो अंदर की डिज़ाइनिंग है वो हम करके दे देते हैं अगर कस्टमर नहीं करता है, तो उसके हिसाब से हम कस्टमर के हिसाब से रिक्वायरमेंट उसका डिज़ाइन बनाते हैं जैसे उसको मॉडल चाहिए। कस्टमर एक बार पास कर दे ओके है डिज़ाइन की तरफ से, तो उसको हम टूलिंग की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, टूलिंग से फिर उसको प्रोडक्शन की तरफ ले आते हैं। और सर जैसे आपकी प्रोडक्ट की सर्विसेज की बात करें, वारंटीज़ की बात करें, किस तरह की? सर वारंटी हम लोग 1 ईयर की देते हैं इसके अंदर, एक साल की हम लोग, हाँ लाइट्स के अंदर हम लोग 1 ईयर की वारंटी देते हैं, प्लास्टिक वारंटी की वारंटी देते हैं। और सर अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो बिजनेस करना चाहते हैं, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? सर हम लोग गूगल में भी हैं, YouTube में भी हमारा है, बाकी एग्जीबिशन तो हम लगाते ही हैं, सबको पता ही है। हर एक ईवी एक्सपो में आप मिले हुए? हाँ जी बिल्कुल, हर ईवी एक्सपो में कोशिश रहती है कि सब में आए। और सर अभी कार्ड शो कर सकते हैं जिस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और भी ज़्यादा जानकारी है अगर कोई इंक्वायरीज हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सर बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ मेक इन इंडिया एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, तो प्लीज़ आइए और देखिए एक बार। और चलिए सर, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।